दोस्तों क्या चल रहा है यार। मतलब मैंने ना लोगों को कहते सुना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है। मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन कल मैंने अपने दोस्त का आधार कार्ड देखा। यार मतलब मेरे को रियलाइज हो गया कि इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। एनीवेज, एज यू गाइस नो कि लॉकअप के काफी सारे एपिसोड्स आए हैं जहाँ पर भर भर के अजीबोगरीब कांड हो रहे हैं। अच्छा, जैसे कि शो में एक सेगमेंट था जहाँ पर सभी को अपने सीक्रेट्स बताने थे, तो कच्चा बादाम ने भी अपने सीक्रेट बताए। मैं रशिया गई थी। तो क्या नाचो मैं? मेरा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, सो एक ही अट्रैक्शन थी रिसेप्शनिस्ट के साथ। मेरे पास वहाँ पे कैश भी नहीं था, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे, तो उसने मुझे ऑफर किया पार्टी के लिए। सो मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता, ना मेरी फैमिली को पता, मतलब सिर्फ मुझे ही पता है ये चीज। वाह यार, क्या सीक्रेट है। ये सीक्रेट दुश्मन देश के पास नहीं जाना चाहिए, वरना अमर हो जाएगा। आई डोंट नो, मेरे मम्मी पापा इसको देख के क्या जज करेंगे। क्या जज करेंगे? देखो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तभी जज कर लिया होगा जब उन्होंने तुम्हारा इंस्टाग्राम खोल के देखा होगा। और सीक्रेट का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें टाइम पे जज कर लिया होता तो तुम टैलेंट के नाम पे लिप सिंक और कच्चा बादाम नहीं कर रहे होते। तो लॉकअप में कैदियों के साथ क्वीज भी खेला गया, जहां पर दो टीमें से दो दो अकलमंद बंदों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अपना स्लेट दिखाओ। इज नथिंग, आई गॉन ब्लैंक। आई गॉन ब्लैंक। अकॉर्डिंग टू ऑल कैदीज, ये चारों अकलमंद थे। जिस तरह से ये खेल रही है ना, मेरे को तो पक्का लगता है कि एक ना एक दिन आलिया भट्ट की बराबरी तो कर लेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग स्किल्स में नहीं, जनरल नॉलेज में। मुझे अपने घर जाना है। He passed the article 370. He passed the article 370. कुछ भी, मतलब जवाब नहीं आया तो कुछ भी बड़बड़ा दिया। कुछ भी पता नहीं यार, मतलब इन चारों को लोग क्यों फॉलो करते हैं। हाँ मतलब पूनम का तो समझ आता है, पर इन तीनों को क्यों? किस लिए? तो लॉकअप के रीसेंट एपिसोड्स में सभी से उनका टैलेंट दिखवाया गया। मुनावर से कॉमेडी कराई गई। होना बन गया, ठीक है। अरे मेकअप खराब हो रहा है। बबीता जी से कुश्ती करवाई गई। यहाँ तक कि अंजलि से डांस भी करवाया गया। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली ए रूपाली ए रूप। मुझे तो डर है यार कि कहीं ये लोग पूनम पांडे से उसका टैलेंट दिखाने ना बोल दे। बॉय। सो मैं चार बार तो कंगना ये दोहरा चुकी है कि अंजलि के 1 करोड़ फॉलोअर्स क्यों है। मैम, दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबके पास फोन भी है, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक रील बना के पोस्ट कर सकते हैं, पर लोग मुझे ही फॉलो क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ रीजन। आधे लोग तुम्हें ठरक के लिए फॉलो करते हैं, आधे लोग कमेंट में बेइज्जती करने के लिए, और बाकियों के लिए कच्चा बादाम तो यार रीजन है ही। मैं डांस करती हूँ, मैंने कभी डांस नहीं सीखा। अरे यार, तो सीखना चाहिए था। वीडियोस ऐसी भी बनाती हूँ जिसमें एक्टिंग भी होती है, मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। वो भी सीखनी चाहिए थी। सर, किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। What? सर, किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। यार मैं जा रहा हूँ यार। आबा कहाँ जा रहा है? ओला ड्राइवर बनने। वैसे भी यार ये ओला वाले काफी अच्छे कमा रहे हैं। आबा लेकिन तेरे को तो ड्राइविंग आती नहीं, ना तूने सीखी है, कैसे बनेगा तू ओला ड्राइवर? किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। मतलब यार मुंह दिया है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बक दो। वो जो लोग कहते हैं ना कि यार दीवारों के भी कान होते हैं, अगर इस बात में सच्चाई है तो यार मेरे को लॉकअप के दीवारों के लिए काफी बुरा लग रहा है, जिन्हें दिन भर इनका बकवास सुनना पड़ता होगा। यार 10 सेकंड कर दो फिर। 10 9 वैसे भी टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते। क्या बोला तूने? वंस मोर वैसे भी टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते। अरे मुनावर भाई यार, मतलब क्या सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की भी बनाती है वो। मुनावर भाई, जिस तरह से गेम खेल रहे ना, लोगों को तो ये भी लगता है कि इस शो में 15 कंटेस्टेंट्स हैं और एक विनर। एक्सपीरियंस लोगों के साथ खड़े रहना सीखो, बच्चों के लिए जगह नहीं है ये। तो बुड्ढों के लिए भी तो जगह नहीं है, बच्चों के सामने बुड्ढे खड़े हैं।
इमोशनल। नहीं यार अंजलि, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हाउ यू शुड बिहेव। वो लोग बुढ़े नहीं है, वो लोग यार सिर्फ अंकल आंटीस है। डू नो व्हाट, मुंबई दुनिया की सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। नहीं नहीं, इसमें मुंबई के लोगों की कोई गलती नहीं है। इट इज बिकॉज क्योंकि लॉकअप का सेट मुंबई में है। तो कुछ एपिसोड्स पहले लॉकअप में अली मर्चेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। क्या बोलती, लॉकअप सीजन 1 की कड़ा पब्लिक। यार ये देखकर ना मेरे को डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा पहले भी कभी हुआ है। वो कंगना कह रही थी ना, ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है, ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है। कंगना मैम, घर का तो पता नहीं, लेकिन कंटेस्टेंट्स और स्क्रिप्ट उन्हीं की है। अगर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स एक क्रिकेट टीम है तो लॉकअप उनका पवेलियन, क्योंकि सब आउट होकर यहीं आ रहे हैं। ऑनेस्टली यार, मतलब 2010 का कॉन्सेप्ट ये एग्जैक्टली 2022 में यूज कर रहे हैं। मतलब इन 12 सालों में बिटकॉइन का प्राइस लाखों गुना बढ़ गया, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ी। हाँ। वैसे मैं अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए यूट्यूब एंड स्पॉन्सरशिप्स के अलावा क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ यूजिंग IQ ऑप्शन, जिसके प्ले स्टोर पर 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है। मैं इस ऐप को काफी समय से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इजिली 500 से 1000 रुपए रोजाना अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें ट्रेडिंग करके ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर काफी सारे एसेट्स है, जैसे कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो और भी कई सारे। यहाँ पर आपको मिलेगा पोर्टफोलियो, मार्केट एनालिसिस, मार्केट के न्यूज एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स। हमें बस यहाँ पर एसेट सेलेक्ट करना है और ग्राफ को देखकर प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मुझे लगता है कि ग्राफ नीचे जाएगा, इसलिए मैं पुट पे क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट कर दिए है और अब मेरे को बस थोड़ा सा वेट करना होगा, तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड सी, मेरे को यहाँ पर 45 रुपए का फायदा हुआ। यहाँ पर हम इजिली डिपॉजिट कर सकते हैं पेटीएम या फिर UPI के थ्रू, और इजी विड्रॉल भी कर सकते हैं बस 24 घंटे में। मार्केट में IQ ऑप्शन के नाम पे काफी सारे फेक ऐप्स हैं, इसलिए तुम गलत जगह पे पैसे डिपॉजिट मत करना। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही डाउनलोड करो ऑफिशियल ऐप को और अर्न करो। बट यार वन थिंग डाटा वाना से कि यार पहले मेरे को लगता था ना कि लॉकअप एक बकवास शो है, लेकिन जब मैंने इसके आगे के एपिसोड्स देखना स्टार्ट किए तो यार मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई बिग बॉस के लिए। गाड़ी मतलब यार कुछ तो है जो कि बिग बॉस से भी घटिया है। सही बात है। यार मतलब पायल जिस तरह से सनलाइट के लिए लड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि यार पायल नहीं जादू हो, क्योंकि सनलाइट के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। बाय द वे डू यू नो, पायल एंड जादू में एक सिमिलैरिटी है। क्या? दोनों गलती से धरती पे आए थे। मैं डिसअपॉइंट हुई एक चीज से, मेरी ऑडियंस, आई डोंट नो अभी क्या सीन है, मेरी ऑडियंस ने वोट क्यों किए, मेरी ऑडियंस ने वोट क्यों किए। अरे अंजलि डिसअपॉइंट मत हो, तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हारी 15 सेकंड की वीडियो देखने के लिए तुम्हें फॉलो किया है, ना कि 1 घंटे का शो देखने के लिए। और तुम्हारी ऑडियंस कैसी है ये तुम्हें तुम्हारा कमेंट सेक्शन देखकर ही पता चल जाना चाहिए था। ओके, राम मंदिर का केस मैंने ही लड़ा था। राम मंदिर पे, राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट में केस था ना, ओके, वो हम ही फाइट किए थे, मैं उसको पक्षकार था। आई वाज पार्टी। सकल देखकर यार लग रहा है कि बंदे को घंटा कुछ समझ नहीं आया। आप क्या करते हैं? मैं एक एक्टर हूँ। कहाँ पे? भाई यार घोर बेइज्जती, इतनी बेइज्जती तो यार मुनावर की भी नहीं हुई थी जब पूनम ने उसे भाई कहा था। लोगों का ये मानना है आप मासूम होने की एक्टिंग करते हो, मासूम होने, आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार रही हैं। अरे मैडम बाइपोलर के अलावा भी इसे एक अजीब बीमारी है। तारे जमीन पर। बाइपोलर तो यार ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारी अजीब सी बीमारी है ना, पहले उसका इलाज कराओ। बुरा ना यार, मतलब मेरे को लॉकअप के एडिटर्स के लिए लगता है जिन्हें दिन भर 2400 घंटे इनकी हरकतें देखनी पड़ती है। अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, जिद होती तो बाहों में होती। चुप।
बिल्कुल चुप। भाई यार अच्छा है कि कोई इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, वरना वो बाहों में नहीं तू असली जेल में होता। सच में अगर लॉकअप के सारे कंटेस्टेंट्स के ओवर एक्टिंग पे हर बार 50 रुपए काटे जाते तो यार आज मैं अमीर होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो चलो यार, दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो विद द बेल नोटिफिकेशन। IQ ऑप्शन पर जाकर ट्रेडिंग करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर कमेंट करो ताकि तुम्हारे कमेंट को मैं ले पाऊं। मिलते हैं यार अगले वीडियो में। बाय।